मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद और वेलकम टू विजडम जॉब्स. विजडम जॉब्स में आपका स्वागत है. और आज का मैं करंट रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. CAA वॉज एनेक्टेड टू प्रूव दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो वैल्यू. CAA वॉज एनेक्टेड टू प्रूव दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो वैल्यू. ये सिटीजन अमेंडमेंट जो है, सिटीजनशिप का अमेंडमेंट एक्ट, और इस एक्ट से भारत सरकार ने ये प्रूव किया कि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मूल्य नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर जो मोड पे बन चुका है और सेकुलर जो ये सेकुलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्सा होता है, राइट. और ये सेकुलरिज्म को तोड़ के भारत सरकार ये तय कर रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इससे भारत कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो सेकुलरिज्म को तोड़ रहा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू पूरा ख़त्म कर दे रहा है, कोई मूल्य नहीं रखा. ये तो हो गया तमिलनाडु के एक प्रांतीय पार्टी के एक प्रेसिडेंट है वो, और ये प्रांतीय पार्टी हो गई विदुथलाई चिरुताइंगल काच्ची. ये तमिलनाडु का जो प्रांतीय पार्टी हो गया, VCK कहते हैं इसको. ये VCK का नेता जो है ये थिरुमावलवन.थोल, ये थिरुमावलवन.थोल तो इस तरह कह रहा है कि BJP का जो भी अंदाज है और आज का जो NDA गवर्नमेंट, NDA सरकार का जो भी अंदाज है, ये बहुत गलत है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलरिज्म और जो सेकुलर टोन है, उस सेकुलर टोन को अंतराय हो रहा है और उस सेकुलर टोन को ख़त्म किया जा रहा है, ये तो बहुत गलत चीज़ है. और ये तो हो गया आज का प्रधान सुर्खियाँ. और इस जो स्टेटमेंट को और इसको VCK के चीफ थे और उन्होंने कहा ये BJP का जो कुछ भी अंदाज है ये बिल्कुल गलत है. और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में हमें सोचना पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिलीजन के लिए क्या दे रहा है और रिलीजन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तालीम क्या है, इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा. और रिलीजियस अफेयर्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, जैसा आर्टिकल 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया और 28 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जो रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं. और रिलीजियस जो कई रिलीजियंस है इंडिया में और कई धर्म है, और उस धर्म का जो डेवलपमेंट होगा, उस धर्म का जो प्रोपगेशन होगा, उस धर्म का स्प्रेड करने का तरीका होगा, और उस धर्म के लिए फंडिंग करने का जो तरीका है उसके बारे में, और उस धर्म के जो इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है, इसके बारे में हमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये जो आर्टिकल्स है ये रिलीजियन भिन्न धर्म का डेवलपमेंट के बारे में और स्प्रेड के बारे में और साफ सूत्र बता रहे हैं. ऐसा जो आर्टिकल 25 हो गया, विच डील्स विथ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन, ये साफ साफ बता रहा है प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन. इसका मतलब ये हो गया कोई भी आदमी, राइट, भारत में जितने भी रिलीजियंस है वो रिलीजियंस को प्रोपगेट कर सकता है, वो रिलीजियन को प्रसार कर सकता है और उस रिलीजन को अभिवृद्धि कर सकता है, उस धर्म का अभिवृद्धि करना और उस धर्म को आगे बढ़ाने का हुक्म दे चुका है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख हो या नहीं कोई और, जैसा बुद्धिस्ट है और जैनिज्म है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम और सिखिज्म, ये सिख जो रिलीजन है, ये सारे रिलीजन अपना अपना धर्म प्रोपगेट करने का हक बनता है. ये जो फंडामेंटल राइट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ सूत्र आर्टिकल 25 में बताएगा. और आर्टिकल 26 ये कह रहा है कि
deals with freedom to manage religious affairs, religious affairs ko manage karne ke liye, aur religious jo dharm ka jo dharm ke jo affairs hai, dharm ka related jo bhi issues hai usko manage karne ka bhi adhikar aur hak banta hai hame constitution se, article 26 ke dwaran. Aur article 27 keh raha hai deals with no person shall be compelled to pay any taxes, right? Har koi dham apna dham aage badhane ke liye, propagate karne ke liye kehta hai constitution, usi ke saath saath article 27 se kisi ke saath ye dham ko aage badhane ke liye aur dham ki ruddhi karne ke liye, abhiruddhi karne ke liye kisi se bhi tangi kar kar aur kisi par matlab force kar kar kisi se paisa collect nahi karni chahiye aur kisi se kuch tax collect nahi karni chahiye, aisa cheez नहीं बोला है कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हर धर्म समान है, ऑल रिलीजियंस आर इक्वल, हर धर्म समान है, ये जो चीज बोल रहा है. आर्टिकल 28 कह रहा है डील्स विद फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और जो भी ये जो स्टेट है, सरकार है, सरकार से जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ गया, जो भी स्कूल्स है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यहां पर धर्म का प्रचार करना और धर्म का प्रोपेगेट करना मना है. और जो भी जो धर्म के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस है, धर्म के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसा इस्लाम में मदरसा हो और जैसा हिंदुइज्म में मठ यानी घटिका हो और जैनिज्म में गच्चा हो, ऐसे उनके जो उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब धर्म आगे बढ़ाने के जो धर्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें धर्म का प्रसार कर सकता है. लेकिन सरकार से जो एस्टैब्लिश किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धर्म का प्रसार करना मना होगा, राइट. ऐसे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमें धर्म के बारे में बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ने सबक सिखाया. ये तो बिल्कुल सेकुलर टोन का प्रतिबिंब नजर आता है. सेकुलर टोन, सेकुलर टोन मीन्स ऑल रिलीजियंस आर इक्वल और नो ऑफिशियल रिलीजियन बिफोर द स्टेट, राइट. राष्ट्र को कोई ऑफिशियल अधिकार धर्म नहीं है और जितने भी धर्म हो भारत में और सारे धर्म समान है, एक है और समान है, राइट. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो तालीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया एक बहुत बड़ा नियामत है, कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया एक बहुत बड़ा तोहफा है ये जो सेकुलर टोन है. और 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या हुआ था, ये जो सेकुलर टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड कर दिया गया. लेकिन जो सेकुलर टोन है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ तब से वो सेकुलर टोन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, इस चीज की जानकारी लेना, राइट. यहां पर वीसीके के जो चीफ है, तमिलनाडु की जो प्रांतीय पार्टी रीजनल पार्टी है वीसी की, और ये वीसीके के जो चीफ है विदुतलाई चिरुताइगल कच्ची के चीफ है तिरुमावालावन, चीफ तोल तिरुमावालावन. ये तिरुमावालावन कहने लगे कि बीजेपी का यानी आज का जो एनडीए अलायंस जो फॉर्म की एनडीए, ये एनडीए जो सोच ली और ये जो एक्ट किया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू पूरा का पूरा खत्म कर दिया जा रहा है. जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू है, सेकुलर टोन है, उसको खत्म कर दिया जा रहा है, उस पर खतरा ला रहा है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ये कहना है तिरुमावलवन, ये तो बीसीके के चीफ है, तमिलनाडु का जो रीजनल पार्टी है उसके चीफ है. और ये भी कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टू प्रूव दैट इज पॉसिबल टू एनैक्ट एन एंटी सेकुलर लेजिस्लेशन नॉट विथ स्टैंडिंग द कंट्रीज सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन. जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब से शुरू किया, ये अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज ये साबित हो रही है, एंड एंटी सेकुलर लेजिस्लेशन, ये जो एक्ट है वो एंटी सेकुलर, सेकुलर टोन को खतरा लाके, सेकुलर टोन को मार के और उस पर दबाव लाके, सेकुलर टोन को हटा के एंटी सेकुलर लेजिस्लेशन को शुरू किया आज का जो भारत का सरकार, ये जो बिल्कुल गलत है कह रहा है वी सी के का चीफ. और दे आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट 27,000 डिटेंशन कैंप्स एट एन स्टॉप at an estimated cost of
12 lakh crores at a time when the country is going through severe economic difficulties. अभी एक चीज को यहां पर समझना पड़ेगा, हमें जो सरकार इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, CAA को इंप्लीमेंट करने के लिए 12 लाख crores का इस्तेमाल किया जा रहा है. इतना फंड को ये सरकार ने 12 लाख crore रुपीस को इस्तेमाल किया जा रहा है. इतना जो प्रजा धन है, जो पब्लिक जो फंड है और जो जनता से ले चुका है, इतना फंड को इस एक्ट बनाकर बनाने के बाद इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए इतना फंड का इस्तेमाल करना, ये क्या मीनिंगफुल होता है? ये तो सवाल हो गया VCK के चीफ का, तमिलनाडु का जो रीजनल पार्टी है, VCK का चीफ का सवाल हो गया. 12 लाख crore का इस्तेमाल करना, 12 लाख crore का इस्तेमाल करना पैसा, 12 लाख crore, 12 लाख crore इसमें खर्च करना, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए खर्च करना, ये कोई मीनिंगफुल होता है? ये कोई सही चीज़ है और ये सही तरीका है? ये सवाल बन गया VCK के चीफ से. और ये साहब ये भी कहने लगे कि वंस द NPR एक्सरसाइज इज कैरिड आउट, इट विल पेव द वे फॉर द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इट विल कैटेगरीज द पॉपुलेशन इन टू सिटीजन्स, राइट. यहाँ पर यह भी चीज हो गया, ये CAA जब इम्प्लीमेंट होने लगता है, CAA के साथ साथ NPR भी इम्प्लीमेंट होने लगता है. NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं इसको, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करना भी शुरू करता है. और ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करते हुए भारत के जो जितना भी पॉपुलेशन है, भारत का जो आबादी है और भारत का जो भी सेंसस जो पॉपुलेशन है, इस आबादी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 तरह क्लासिफाई करते हैं. और ये 3 तरह कैसे क्लासिफाई होता है और इस क्लासिफिकेशन के बारे में हमें जानना पड़ेगा. पहले ये जो इंडियन पॉपुलेशन को और जितने भी देश में आबादी है, इस आबादी को 3 तरह 3 कैटेगरीज में लाना चाहते हैं ये NPR के जरिए. और एक हो गया सिटीजन्स, और दूसरा हो गया नॉन सिटीजन्स, और तीसरा हो गया डाउटफुल सिटीजन्स. देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया ये NPR के जरिए. और क्या हो गया, एक सिटीजन हो गया, 2 नॉन सिटीजन्स हो गए, और तीसरा डाउटफुल सिटीजन. सिटीजन का जब ये NPR के थ्रू क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उनके दादानों परदादानों यहाँ पर रह रहे हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि ये लोग सिटीजन है, और जितने भी सिटीजन है वो सिटीजन्स के अंडर के जो कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे. और दूसरा जो चीज़ है नॉन सिटीजन, जो आइडेंटिफिकेशन सही नहीं हुआ और आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल गलत निकला, और वो लोग हो गए दूसरा जो कैटेगरी है नॉन सिटीजन, यानी वो इंडियन नहीं है, ये साबित होता है. और तीसरा जो है, और जो ये आइडेंटिफिकेशन का और वो जो रजिस्ट्रेशन का, जो पॉपुलेशन का रजिस्ट्रेशन जो है और उनका आइडेंटिफिकेशन है, सही नहीं निकला, यानी और उसका जो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक मैच नहीं हो रहा है, इन लोगों को डाउटफुल सिटीजन में डाला जाएगा. देखिए सिटीजन, नॉन सिटीजन और डाउटफुल सिटीजन, ये चीज हो गया NPR के जरिए भारत का सरकार इंप्लीमेंटेशन, NPR और CAA का इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, राइट. और ये जो डाउटफुल सिटीजन्स है उसमें हिंदू हो सकते हैं, और उसमें ईसाई हो सकते हैं, और उसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट, और उसके साथ साथ मुस्लिम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. और ये कहना है हमारे VCK के नेता, तमिलनाडु का जो रीजनल पार्टी को चला रहे हैं VCK को, और उसके नेता अधिनेता कह रहे हैं इन सब चीज़ों को. और ये भी कह रहे हैं इनका जो एनालिसिस जो है, उनका जो क्लासिफिकेशन है, बहुत अच्छे तरह समझा रहे हैं. द CAA इज आउट एंड आउट कम्युनल एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल ये यही कह रहे हैं, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ
बन चुका है ये CAA. इनका कहना यही है कि CAA ने एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनाया हुआ एक लेजिस्लेशन है और कह रहे हैं देयर इज ए हिडन एजेंडा by the implementation of the act the government wants to alienate Muslims it is targeting Muslims and seeking to portray all of them as terrorist and anti-national and other as law abiding citizens yahan par ye NDA sarkar ka yahi manna hai aur NDA sarkar ka yahi soch hai aur unka ye yahi hidden agenda aur hidden सीक्रेट है हिडन एजेंडा है ये जो हिडन एजेंडा के बारे में आगे रख रहे हैं VCK के चीफ कह रहे हैं मुस्लिम्स को आतंकवादी मानना ये NDA की सोच है और मुस्लिम्स को देशद्रोही मानना ये NDA का सोच है और ये चीज को साफ सूत्र बताए VCK के चीफ और इन उन पर जबरदस्ती जुल्म करते हुए एक एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना ये NDA की सोच है कह रहे हैं BCK के चीफ और यहाँ पर और एक चीज साफ नजर आती है ये एक्ट जहाँ तक इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स को ज़्यादा मुश्किल होने वाली है और ये इनका कहना है और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द BJP गवर्नमेंट एट द सेंटर इज टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को साफ सूत्र डाइल्यूट करना ही और उसका जो मूल्य है उसका मूल्यहीन करना ही ये भारत सरकार का काम है कह रहे हैं BCK के चीफ इट लैक्स टू सेंड अक्रॉस द मैसेज दैट एन एंटी सेकुलर लॉ इज पॉसिबल इवन दो The Constitution is secular. जबकि Constitution secular होते हुए भी Constitution secular होने पर भी भारत की जो सरकार जो जुल्म कर रही है एक anti-secular legislation को बनाते हुए CAA के रूप में NPR के रूप में उसका implementation करने में ये भारत की सरकार का क्या विधान है और भारत की सरकार का क्या राय है भारत का सरकार का यही राय है ये कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलर टोन को खतरा लाते हुए और जितने भी यहाँ पर मुस्लिम्स है और जितने भी डाउटफुल सिटीजन्स है उनको मुश्किल देना लगभग इनके हिसाब से 8 करोड़ पीपल जो इंडिया में रह रहे हैं और उनमें से 8 करोड़ वो तो डाउटफुल सिटीजन्स है और वो बहुत नष्ट होगा उनको इस एक्ट से ये तो कहना है VCK का चीफ का कह रहे हैं 8 करोड़ तक यहाँ पर भारत में डाउटफुल जो सिटीजन्स है और ये 8 करोड़ जितने भी भारत की जो आबादी है और उन पे बहुत मुश्किल आने वाली है ये तो बयान दिया ये तिरुमावलन ये तो हो गए VCK के चीफ तिरुमावलावन ये तो VCK के चीफ हो गए यहाँ पर आप सोचना पड़ेगा सवाल यहाँ से बन सकता है आज ये चेन्नई के कौन से रीजनल पार्टी के जो VCK के प्रेसिडेंट यानी चेन्नई के VCK के प्रेसिडेंट जो CAA के खिलाफ लड़ना शुरू किया उनका नाम को आइडेंटिफाई करनी चाहिए नाम था उनका थॉल थिरुमावलावन ये तो नाम हो गया है इनका राइट और ये जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम इन जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जितने भी आर्टिकल्स है उनका ध्यान रखना पड़ेगा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया दोस्त आप हमारे चर्चा में भाग लिए और ध्यान से सुन लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ अगले जो डिस्कशन में और करंट रिलेटेड इश्यूज़ में आप बहुत सब्र के साथ हमारी चर्चा में भाग लिए इसलिए मैं और एक बार धन्यवाद सुनाना चाहता हूँ और एक चीज़ गौर कर लीजिए हमारा विजडम जॉब्स जो चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और जो चीज़ है इसको आप शेयर कीजिए और इस वीडियोज़ को शेयर करते हुए और इसको लाइक भी कीजिए ये मेरी विनती है और इसको आप ध्यान में रख लीजिए शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद